दिस इज द थर्ड पेज ऑफ सेकेंड लेसन इंग्लिश. नाउ बिगिन हियर. द काबुलीवाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली. इसे मुझे काबुली वाले ने दिया था, मिनी ने बड़ा खुश होकर कहा. द काबुलीवाला गेव इट टू यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड. काबुलीवाला ने इसको तुम्हें दिया, उसकी माँ एकदम घबरा करके चिल्लाई. ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, तुम इसे कैसे ले सकती हो. आई इंटरिंग एट द मोमेंट, उसी पल में प्रवेश किया, सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर एंड प्रोसीडेड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज. मैंने उसको आने वाली आपदा से, परेशानी से, यानी कि माँ जो डांटती मारती उससे मैंने उसको बचाया और फिर अपना पूछताछ जारी कर दिया. इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यह पहला या दूसरी बार नहीं था. आई फाउंड दैट द टू हैड मेट, जब ये दोनों मिले थे. द काबली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाई अ जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड एलमंड्स एंड द टू वेयर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स. द काबली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर. काबली वाला ने बच्चे को पहले डर से खत्म दूर कर लिया था, यानी कि उसका डर खत्म कर लिया था. बाई अ जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नट्स एंड एलमंड्स, नट्स और एलिमेंट्स यानी कि बादाम दे करके, उसने घूस दे करके उसने उसको ख़त्म कर लिया था, उसके डर को ख़त्म कर लिया था. एंड द टू वी आर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, अब ये दोनों अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त हो गए थे. दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, वे लोग खूब आपस में मजाक करते हैं. विच अफोर्डेड दे मच अम्यूजमेंट, जिससे उनको काफ़ी मज़ा आता. सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठ करके, लुकिंग डाउन ऑन हिज जिग्नेटिक फ्रेम इन ऑल हर टीनी डिग्निटी, लुकिंग डाउन एट हिज जिग्नेटिक फ्रेम इन ऑल हर टीनी डिग्निटी. वो अपने छोटे से स्वरूप से उसको देखती, उसके विशालकाय स्वरूप को देखती. मिनी वुड रिपल हर फेस विथ लाफर एंड बिगिन, मिनी का चेहरा खिल उठता था खुशी के साथ और वो शुरू करती, बोलती, ओ काबली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, ए काबली वाले तुम्हारे बैग में क्या है. एंड ही वुड रिप्लाई इन नेशनल एसेंट्स ऑफ द माउंटेनियर, और वो फिर एक पहाड़ी के जैसा, पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के जैसा, वो थोड़ा नाक दबा करके बोलता, उसकी आवाज़ में बोलता, एन एलिफेंट, हाथी, नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट परहैप्स, बट हाउ दे बोथ इन्जॉयड द फन, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन वो बड़े मज़ा करते थे. एंड फॉर मी, मेरे लिए, दिस चाइल्ड्स टॉक वॉज विथ अ ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग. इस बड़े आदमी के साथ, बड़े हुए आदमी के साथ इस बच्चे की बातचीत करना मुझे बड़ी आकर्षित करता था. देन द काबली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, वुड टेक हिज टर्न. देन द काबली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, वुड टेक हिज टर्न. काबली वाला भी पीछे नहीं रहता और वह भी अपनी बाजी लगाता, यानी कि बात कहता. वेल लिटिल वन, एंड वेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, छोटी तुम कब जाओगी अपने ससुराल. नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मैडन्स हैव हर्ड लॉन्ग एगो अबाउट द फादर्स इन लॉ हाउस. मोस्ट स्मॉल बंगाली मैडन्स, अधिकांशतः छोटी जो लड़कियां थी बंगाली, हैव हर्ड लॉन्ग एगो, बहुत पहले से सुन चुकी थी अबाउट द फादर्स इन लॉ हाउस, ससुराल के बारे में. बट वी, लेकिन हम लोग, बींग अ लिटिल न्यू फैंगल, हैड केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्ड. एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल बेविल्डर्ड. लेकिन हम लोग जो थोड़ा ऊंच, मैंने विकसित हो गए थे, आगे बढ़ गए थे, हम लोग इन सब बातों से बच्चों को दूर रखते थे, इसलिए मिनी उनकी बात को सुन करके थोड़ा भौचक्की रह गई. बट सी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो उसको दर्शाया नहीं. एंड विथ रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और जैसे कि उसने जवाब दी, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम भी वहाँ जा रहे हो. अमॉन्गस्ट मेन ऑफ द काबली वालाज क्लास, However, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. Amongst men of the Kabliwala's class, Kabliwala जैसे लोगों के वर्ग में, के लोगों में, however, it is well known, यह जाना जाता है, that the words father-in-law's house have a double meaning. कि father-in-law यानी कि ससुराल का दो अर्थ होता है. It is a euphemism for jail, the place where we are well cared for, एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ. एक तो हो गया जेल, जेल को भी लोग ससुराल कहते हैं, जहाँ पर हमारा देखभाल किया जाता है और कोई भी खर्चा नहीं होता है. इन दिस सेंस, इस अर्थ में, वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, वह जो पेडलर था, यानी कि जो बेचने वाला था,
बट लेट टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, वो मेरी बेटी का सवाल लेता, आ ही वुड से, वो बोलता है शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, जैसे कि वो किसी अदृश्य पुलिस वाले को अपनी मुट्ठी मारते हुए, आई विल थ्रेस माई फादर्स इन लॉ, मैं अपने ससुराल को नष्ट कर दूंगा, थ्रेस कर दूंगा, कुचल दूंगा। हियरिंग दिस एंड पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव्स, ये सुन करके या महसूस करके कि ये परेशान करने वाला था, मिनी वुड गो ऑफ इन टू पील्स ऑफ लाफर, मिनी जो थी वो हंस पड़ती थी, इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, और उसका वह दोस्त उसमें शामिल हो जाता था, यानी काबली वाला भी उसके हंसी में शामिल हो जाता था। दीज वेयर ऑटम मॉर्निंग्स, ऑटम की सुबह थी, पतझड़ की सुबह थी, द वेरी टाइम ऑफ ईयर वेन किंग्स ऑफ ओल्ड वेंट फॉर टू कॉन्क्वेस्ट, ये समय जब बुढ़ापे के राजा आगे बढ़ जाते हैं जीतने के लिए। एंड आई नेवर स्टायरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, और मैं कभी नहीं हिलता था अपने कलकत्ता के छोटे से कोने से। वुड लेट माई माइंड वेंडर ओवर द होल वर्ल्ड, और मेरा दिमाग पूरे दुनिया में घूमता था। एट द वेरी नेम ऑफ एनोदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट ऑफ इट, दूसरे देश में भी मेरा दिल जाता था। एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर इन द स्ट्रीट, और देख करके जब एक गली में विदेशी को परदेशी को, आई वुड फॉल टू वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, मैंने सपनों को बुनना शुरू कर दिया था। द माउंटेंस, द ग्लेन्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंट होम, उसके दूर के घर में, घर के पहाड़ों को, गुफाओं को, मतलब जो गलियां थी उसको, और जंगलों को, विथ हिज कॉटेज इन द सेटिंग, और उसके झोपड़ी के बारे में भी, एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, और दूर जानवरों के स्वतंत्र जीवन के बारे में। परहैप्स द सीन्स ऑफ ट्रैवल कंज्योर देमसेल्फ अप बिफोर मी, परहैप्स हालांकि द सीन्स ऑफ ट्रैवल कंज्योर देमसेल्फ अप बिफोर मी, वो सारे जो यात्रा के दृश्य थे वो मेरे सामने आ रहे थे। एंड पास द रिपास इन माई इमेजिनेशन, और मेरे कल्पना में वो सब गुजर रहे थे। ऑल द मोर वाइविडली, सब बिल्कुल स्पष्ट थे। बिकॉज आई लीड सच एज एन एक्सटेंसेज दैट अ कॉल टू ट्रेवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक अ थंडर बोल्ट, बिकॉज आई लीड सच एन एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन जीता था, दैट अ कॉल टू ट्रेवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक अ थंडर बोल्ट, कि यात्रा मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबलीवाला, इस काबलीवाला की उपस्थिति में, आई वॉज इमीजिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फूट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स, मैं तुरंत जाने लगा था पैरों के बल, यानी कि चल करके पैदल, रेगिस्तानी पहाड़ों की चोटियों से, विथ नैरो लिटिल डिफाइल्स ट्विस्टिंग इन एंड आउट अमॉन्ग्स देयर टावरिंग हाइट्स, और उसके ऊंचे ऊंचे ऊंचाइयों, जबरदस्त ऊंचाइयों के बीच में इधर उधर घूमते हुए, टेढ़े मेढ़े होते हुए मैं बढ़ रहा था। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स बियरिंग द मर्चेंडाइज एंड द कंपनी ऑफ टर्बन मर्चेंट्स, मैं देख सकता था सपने में, आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, मैं ऊँट के रस्सियों को देख सकता था, बियरिंग द मर्चेंडाइज, जिस पर सामान लदे हुए थे, एंड द कंपनी ऑफ टर्बन्स, और बहुत टर्बन मर्चेंट्स, और पगड़ी बांधे हुए व्यापारियों के समूह को देख सकता था, कैरिंग सम ऑफ देयर क्वियर ओल्ड फायर आर्म्स, जो अपने साथ पुराने हथियार लिए हुए थे, एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, कुछ भाला लिए हुए थे, ट्रैवलिंग डाउनवर्ड टुवर्ड द प्लेन्स, जो कि मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। बट एट सम सच पॉइंट, लेकिन ऐसे ही किसी स्थिति में, मिनीज मदर वुड इंटरवेन, मिनी के माँ ने हस्तक्षेप किया, इंप्लोरिंग मी बी अवेयर ऑफ दैट मैन, ये कहते हुए, चेताते हुए कि उस आदमी से सावधान रहो। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी, दुर्भाग्य से मिनी की माँ थोड़ा डरेलू संकालू औरत थी। वेन एवर सी हियर्स अ नॉइज इन द स्ट्रीट, जब भी वह कोई आवाज़ सुनती थी गली में, और सीज पीपल कमिंग टुवर्ड द हाउस, या लोगों को उस घर में आते हुए, घर की तरफ आते हुए देखती, सी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन, तो वह यह तय कर लेती, निश्चय कर लेती, या निष्कर्ष निकाल लेती थी, दैट दे आर आइदर थीप्स और ड्रंकार्ड्स और स्नेक्स और टाइगर्स और मलेरिया और कॉकरोच और कैटरपिलर, कि या तो चोर हैं, वह पियक्कड़ हैं, या सांप है, या बाघ है, या मलेरिया है, या कॉकरोच है, तिलचट्टा है, या फिर कैटरपिलर्स हैं। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सालों के अनुभव के बाद, सी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, वह अपने डर से दूर नहीं हो पाई थी। सो सी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबली वाला, इसलिए वह काबली वाला के बारे में उसका बहुत शंका था। एंड यूज टू बेग मी टू कीप
और मुझसे वो प्रार्थना किया करती थी कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम, कि उस पर नज़र रखो। आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, मैं उसके डर को हंस करके उड़ाना चाहता था, बट देन सी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली, लेकिन वह मेरे तरफ गंभीरता से घूमती एंड आस्क मी सोलेम क्वेश्चन, और एक कठिन सवाल पूछती, वेयर चिल्ड्रन नेवर किडनेप्ड, क्या बच्चे कभी अपहरित नहीं होते हैं। वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल, क्या ये नहीं सच्चाई नहीं है कि काबुल में जो है वो गुलामी की जाती है, वॉज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ अ टीनी चाइल्ड, क्या ये इतना बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे को लेकर नहीं जा सकता था। आई अर्ज दैट, मैं उसे कहता, दाउ नॉट इम्पॉसिबल, हालांकि यह संभव नहीं था, इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल, यह बहुत ही काल्पनीय बात थी, बट दिस वॉज नॉट एनफ एंड हर ड्रेडेड प्रसिस्टेंस, लेकिन यह काफ़ी नहीं था उसके डर को रोकने के लिए, इट वॉज इनडेफिनिट, या निश्चित था, हाउएवर इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग इनसाइड द हाउस एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, इट डिड नॉट सीम राइट, ये भी सही नहीं लगता था टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग इनसाइड द हाउस, कि उस आदमी को रोका जाए घर में आने से लिए, एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, और इस तरह से जो था लगाव जो था वो बिना चेक किए चला जा रहा था। बाकी कल।